नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पूर्व मंत्री इमरती देवी द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ FIR कराने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। उसी FIR को रद्द कराने की मांग को लेकर जीतू पटवारी ने हाईकोर्ट पहुंचे। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और पूर्व मंत्री इमरती देवी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल हाईकोर्ट ने इमरती देवी द्वारा दर्ज FIR का अवलोकन करते हुए कहा है कि आखिर किस आधार पर जीतू पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। साथ ही कोर्ट ने जीतू पटवारी के तत्कालीन बयान की भी पुष्टि की है, जिसमें SC ST एक्ट के जैसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को तय की है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जीतू पटवारी को यह राहत भी दी है कि यदि इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई FIR या गिरफ्तारी जैसी कोई बात आती है तो जीतू पटवारी तत्काल कोर्ट के शरण में आ सकते हैं। कुछ दिन पहले ग्वालियर के जबरा थाने में जीतू पटवारी के एक बयान को लेकर पूर्व मंत्री इमरती देवी ने SC ST एक्ट और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। FIR में कहा गया था कि जीतू पटवारी के बयान के चलते उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। इसी FIR को रद्द कराने के लिए जीतू पटवारी कोर्ट की शरण में पहुंचे थे। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या सुनवाई हुई है आज, क्या केस था पूरा? एक FIR जो है वह जीतू पटवारी जी के विरुद्ध जो है मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी जी द्वारा दर्ज कराई गई थी। यह FIR जो है यह डबरा पुलिस स्टेशन ग्वालियर में दर्ज कराई थी, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज आर के तहत दर्ज कराई गई थी। और मुख्य रूप से इमरती देवी जी का उस FIR में कहना था कि जो जीतू पटवारी जी द्वारा स्टेटमेंट दिया गया मीडिया को, उससे उनकी लज्जा भंग हुई। इससे व्यथित होकर के, इस FIR से व्यथित होकर के जीतू पटवारी जी द्वारा 482 की एक पिटीशन जो है वह माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लगाई गई, जिसकी आज सुनवाई थी और माननीय न्यायालय द्वारा तर्कों को श्रवण किया गया और उसके पश्चात जो है नोटिस जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन को भी नोटिस जारी किए गए हैं और इमरती देवी जो हैं, जो कंप्लेनेंट हैं, उन्हें भी नोटिस जारी किए गए हैं। आधार क्या है नोटिस का? जो मुख्य रूप से आधार है, जो SC ST एक्ट की बात कर रहे हैं इमरती देवी जी, और उन्होंने अपने जो कंप्लेंट है उसमें भी यह कहा है और FIR में भी जो SC ST एक्ट लगा है वह पूर्ण रूप से इसलिए गलत है क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया गया था उसमें कोई भी जाति सूचक शब्द जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था, और जो स्टेटमेंट है वह इस उद्देश्य से भी नहीं दिया गया था कि किसी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति की महिला जो है उसकी लज्जा भंग हो। तो यह पूर्ण रूप से एक सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए FIR पंजीबद्ध कराई गई थी और इसीलिए हमने इसे क्वाशमेंट के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो है पिटीशन लगाई। पटवारी के स्टेटमेंट का आकलन किया था, उस आधार पे नोटिस जारी किए जी, सारी चीज़ों को देखते हुए ही नोटिस जारी हुए हैं, जो पिटीशन में जितनी बातें थी सबको देखते हुए। SC ST एक्ट के अलावा और कौन सी धारा है? SC ST एक्ट भी लगा है और IPC की धारा 509 लगी है। अगली हेयरिंग कब है? वेकेशन के बाद में 2/7/2024 को, और लिबर्टी भी दी है जीतू पटवारी जी को कि यदि उन्हें लगता है कि मीनवाइल इसकी सुनवाई आवश्यक है, यदि कोई नोटिस प्राप्त होता है पुलिस से या गिरफ्तारी जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो वह मेंशन कर सकते हैं, उसके पहले भी सुनवाई हो जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।